रामविलास पासवान इनको हिंगनघाट शहर के महात्मा फुले चौक में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है। इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी तथा पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे और आरपीआई के आठौले गढ़ के पृथ्वीराज मेश्राम भी उपस्थित थे। इस वक्त श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी जिला उपाध्यक्ष मोरेश्वर पिंपल शेठ, प्रमुख वक्ता केशव तित्रे, लोक जनशक्ति पार्टी के विदर्भ संगठक सचिव शहर अध्यक्ष प्रशांत मेश्राम, शहर उपाध्यक्ष सारंग विकास देशपांडे, अंकुश पखाले, हिंगनघाट शहर सचिव श्यामराव जी भगत, रुपेश मंडपे तथा लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे और साथ ही आरपीआई पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। इस वक्त सभी ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख वक्ता केशव तित्रे, इन्होंने रामविलास पासवान इनके जीवन चरित्र में प्रकाश डाला और कार्यकाल के बारे में जानकारी दी। हिंगनघाट में पासवान साहब जब भी आए तब उन्होंने शहर की प्रशंसा की है। तब पासवान साहब को भूलना बहुत कठिन है। रामविलास पासवान अभी नहीं रहे लेकिन उनकी यादें हमारे साथ अभी भी है, यह बात भी उन्होंने कही। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि नोरकर की रिपोर्ट।